और जो प्राइस होने वाला है जोजो का वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। एंड भाई लोग आपको मालूम है ना 5 तारीख को दिल्ली में हमारा मीटअप है, भाई लोग आ जाना आप सब लोग। बाकी गाइस मैंने आपको एड्रेस यहाँ पर स्क्रीन में आ रहा होगा, आप लोग इसको भी सर्च करके आ सकते हो। इसका एक्सपेक्टिंग प्राइस आप लोगों से सिर्फ। हेलो जी नमस्ते, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, कैसे सारे, होप सारे अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। एंड गाइस मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो भाई लोग मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था गाइस जिसको बाइक चाहिए गाइस आके ले जाना, एंड जो इसकी एसेसरीज जो मैंने निकाल ली है वो मैं जो वापस लगा दूंगा। तो जिसको भी चाहिए गाइस बाइक ले जाना आके मेरे से। एंड जो मैंने बाइक का प्राइस रखा है इन दी एंड मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैंने बाइक जोजो का प्राइस क्या रखा है। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं। अभी मेरे को अपनी जोजो में भाई बहुत सारे काम करवाने हैं, जिसकी इंस्टॉलेशन है, जो टेल लाइट वगैरह मैंने हटवाई थी वो मैं लगा दूंगा, एंड जिसके लेग गार्ड है बेंजीन के वो एज इट इज रहने वाले, मैं कुछ निकालूंगा। एंड गाइस सामने चेक करो, बारिश का मौसम हो रहा पूरा क्लाउड, एंड ऐसे में जा रहा हूँ भाई मैं रामनगर। इनकेस देखो मैं प्राइस बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं करूंगा, क्योंकि भाई लोग देखो जोजो का अपने आप में एक नाम है, अपनी जोजो जो है ऐसी कोई नॉर्मल बाइक नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो भाई प्राइस नेगोशिएबल तो नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत चल जाएगा ऊपर नीचे, जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा कि 5,000-6,000 जो ऊपर नीचे मैं कर लूंगा वो कर लूंगा, बट उससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि भाई लोग भले मैं जोजो को गाइस मजबूरी बेच रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं कि मैं जोजो को बिल्कुल ही उसकी हैसियत से नीचे पेमेंट में बेच दूंगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अभी चलते हैं फटाक से, जो इंस्टॉलेशन करवानी वो करवाते हैं, फिर घर आते हैं। तो भाई लोग अभी देखो मस्त बारिश हो रही है, एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई रामनगर के लिए, पूरा क्लाउडी मौसम हो रहा है, रेन सूट वगैरह पहन लिए, ये भी आ रखा है, पहचानो इसे कौन है। तो भाई लोग हम निकलते हैं फटाक से, एंड जोजो में जो काम है करवाने वाला वो करवा के आते हैं। सो भाई लोग ऐसी बारिश में देखो अभी मैं जोजो को वार्म कर रहा हूँ, एंड देखो अब इसका एक सेल भी नहीं आया है, एक सेल आता है हम लोग फिर निकलते हैं। वैसे देखो बाइक को ना वार्म कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे होता यह है जो बाइक का इंजन है थोड़ा रिफाइंड हो जाता है और एकदम स्मूथ चलने लायक गाड़ी हो जाती है। तो अगर हम लोग ठंडी बाइक को एकदम से दौड़ाएंगे तो इंजन में भाई मे बी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेक श्योर आप लोग अपनी बाइक को कोल्ड वार्म कर ले, अपने इंजन को रिफाइंड कर ले। तो गाइस अभी निकलते हैं फटाक से, चले बॉय लेट्स गो। एंड गाइस आज होने वाली हमारी रेनी डे राइड मस्त वाली, अगर ये बंदा मेरे साथ चलेगा रामनगर तो गुड एंड वेल, वरना मेरे को अकेले आना पड़ेगा। सो भाई लोग मैंने आपको बता दिया है कि जो भी भाई मेरे साथ आएगा इस उम्मीद से मत आना कि सिद्धू भैया 2 लाख या फिर कुछ समथिंग में बाइक दे देंगे, तो मैं पहले आपको मना कर दे रहा हूँ इस सब चीजों के लिए, क्योंकि गाइस मैंने पहले आपको बता दिया है जो भाई अपने आप में भाई एक बाइक है, एंड भाई आपके सिद्धू भैया की बाइक है, यू नो गाइस, बट ये थोड़ी ना मेरी फीलिंग समझती है, मेरे से बोलती है, एंड ये मेरे से अभी बोल रही है कि प्लीज मेरे को मत बेच, बट मैं इसको फिर भी बेच रहा हूँ। एंड आप लोग इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, इतने कमेंट कर रहे हो सिद्धू भैया प्लीज मत बेचो जोजो को, मत बेचो, सीरियसली भाई लोग मन तो मेरा भी नहीं है, बट वो कहते ना मजबूरी कुछ भी करवा सकती है। और जो प्राइस होने वाला है जोजो का वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। एंड भाई लोग आपको मालूम है ना 5 तारीख याद तो होगी गाइस, 5 तारीख को कुछ बवाल होने वाला है, तो दिल्ली में हमारा मीटअप है, भाई लोग आ जाना आप सब लोग। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में नोएडा साइड में है, ऑल अबाउट बाइक करके, आप लोग अगर गूगल मैप पे डालोगे तो इजीली आपको शॉप मिल जाएगी। बाकी गाइस मैंने आपको एड्रेस यहाँ पर स्क्रीन में आ रहा होगा, आप लोग इसको भी सर्च करके आ सकते हो। जो मेरे दिल्ली वाले भाई लोग है प्लीज आ जाना इस वाले एड्रेस पर। गाइस देखो आप लोगों ने तो मुझे देखा है, बट मैंने आप लोगों को नहीं देखा है, तो मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, तो प्लीज गाइस आ जाना। एंड अगर उस दिन बारिश होगी तो आप लोग मत आना, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भीग जाओ या फिर आप लोगों को जुकाम वुकाम लग जाए, और सीजन ऐसे चल रहा है आजकल, तो अपना ध्यान रखना, और अगर आपको लगे कि आप लोग आ सकते हो तो प्लीज आ जाना। सो भाई लोग अभी देखो हमने नीचे भाई रेन सूट की पैंट निकाल दी, क्योंकि भाई लोग करण बोल रहा है पैंट नहीं पहन रहा है, उससे लुक नहीं आ रहा, बताओ इसको ठंड में भी इसे लुक चाहिए, अजीब चूतिया दोस्त है मेरा, खुद नहीं पहन रहा तो मुझे भी नहीं पहनने दे रहा है, देखो इसे पैंट निकाल दी, लेट्स गो। गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, अबे रुक जा 2 मिनट रुक जरा, मुझे 2 पिन लेके आनी है, वो पिन होती ना इंडिकेटर लगाने वाली वो रह गई है, बैग में रख के लेके आता हूँ, मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ हमेशा, इसलिए कहता हूँ बैग लेके चला कर सिद्धू। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, एंड मैं भी बाइक खड़े हुए चला रहा हूँ। सो गाइस हाईवे स्टार्ट हो चुका है, गाइस नीचे फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको Z900 आने की खुशी है या फिर नहीं, प्लीज नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं भाई 1K कमेंट, इस वीडियो नीचे 1K कमेंट कर देना गाइस। आज जो है जोजो की सारी एसेसरीज इसमें लोड हो जाएंगी, एंड अपनी जोजो सेल होने के लिए फुली रेडी हो जाएगी आज। सच बताऊं गाइस बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं जोजो को सेल कर रहा हूं, सोचा नहीं था कि ऐसा दिन कभी आएगा, दिल से बहुत बुरा लग रहा है कि अब जोजो मेरे पास नहीं रहेगी आने वाले टाइम पर। गाइस सीरियसली मैं अपनी जोजो सेल नहीं करता, बट इन कुछ दिनों से आपके सिद्धू भैया के साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, खुशियां तो आ रही है पर कुछ पल के लिए, लेकिन गाइस जो दुख है ना वो परमानेंट मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं। एंड गाइस एक चीज तो है, वो चीज किस्मत में होती ना वो मिलती है, और जो नहीं होती ना उसे चाहकर भी आप लोग अपने पास नहीं रख सकते, तो शायद गाइस मेरा और जोजो का साथ यही तक का था। एंड अभी कुछ मालूम भी नहीं है, अगर जोजो सेल हुई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इसको मैं अपने पास ही रखूंगा। बाकी आप लोग क्या चाहते हो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस अब निकलते हैं सीधा फटाक से रामनगर के लिए, एंड उधर ही मिलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए भाई जुबैद के शॉप पर। सो भाई लोग अभी हम लोग आ गए हैं जुबैद सिंह खान के पास, ये रहा ब्रो, चाय पी लो गाइस, मेरे को मिडिल फिंगर दिखा रहा, देख रहे हो। चलो गाइस अभी इससे अपने बाइक का काम करा लेते हैं, बाकी देखो बारिश दो कितनी सेक्सी हो रही है यहां पर, सामने पूरी बारिश हो रही है, एंड अभी जो काम निपटाते हैं उसका निकलते हैं। भाई लोग शोरूम में आ गए नीचे अंदर अभी, एंड आपको अभी मिनी दिखाता हूं, मिनी कैसी हालत हो रही है मिनी की, वो देखो गाइस चेक करो, पूरी मिनी खुली पड़ी है, पहचान में नहीं आ रही है मिनी या फिर कुछ और है, एक बार मैं आपको ऊपर से व्यू देता हूं इसका, चेक करो गाइस ये देखो
पूरा इंजन खुला पड़ा है इसका एंड इसमें भाई आपको अराउंड बताऊँ तो 28,000 का खर्चा आ चुका है। इस बार माजिद भाई कैसे हो आप? हाय, कैसे हो? बढ़िया। देख रहे हो बुलेट का पूरा काम हम कर रहे हैं भाई माजिद भाई, जिसको भी काम कराना भाई आ जाए करो। मैंने अपनी जो जो भाई माजिद भाई से करवाई थी आप भी करवा सकते हो आगे, बहुत सही करते हैं भाई, एक नंबर काम है। बिल्कुल सही रेट में? हाँ बिल्कुल सही रेट में, ये सबसे बड़ी बात है। तो भाई लोग जो जो नीचे आ गई है अब इसकी टेल लाइट लगवाते हैं फटाक से, जो काम है वो करवाते हैं फिर निकलते हैं अपन लोग, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा हो रही है और घर भी जाना है। A few moments later. So भाई लोग अभी जो अपनी जोजो भाई मोस्ट रेडी हो चुकी है, इसके देखो भाई अपनी टेल लाइट भी लग गई है, पूरी कंप्लीट टेल लाइट लग चुकी है, पीछे के पूरे इंडिकेटर चल रहे हैं एंड आगे भी एक इंजन में एक नट लूज था वो टाइट हो चुका है। अभी सारे काम हो गए, अब निकलते हैं यहाँ से। अभी चेक करो गाइस, देखो अपनी जोजो के पीछे के इंडिकेटर भी सब चल रहे हैं, सब कुछ ओके है। अब निकलते हैं जोजो को लेके, फुल टू सेट हो चुकी है। देखो अभी इसको वॉश तो नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि भाई बारिश पड़ रही है आप लोगों को तो मालूम ही है। ठीक है ब्रो, मिलते हैं। थैंक यू गाइस, ये बंदा मेरा काम फ्री में कर देता है। चलो गाइस अभी निकलते हैं अपन लोग, अपना काम कम्प्लीट हो चुका है। पता नहीं गाइस जोजो में अपनी आखिरी राइड कब हो जाए कुछ मालूम नहीं है। जोजो को मैंने अब कम्प्लीट कर दिया है, आप लोगों को जिसे लेके जाना है भाई लेके जा सकता है अपनी जोजो को। 111 125 और कितनी भगा रहा है ये, 127 125 123 बस। सो गाइस वी आर इन अवर स्टूडियो एंड गाइस जोजो को यहाँ पार करते हैं साइड से, पूरा गाइस मौसम तगड़ा हो रहा है एंड गाइस फाइनली अपनी जोजो में देखो मैंने सब कुछ फिट करवा दिया एंड अभी जोजो भाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देखो हियर इज अवर टेल लाइट एंड गाइस इसमें जो है हैजार्ड लाइट आपको नहीं मिलता है, वो मैंने अलग से इंस्टॉल करवा रखा है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या अलग से इंस्टॉल करवा रखा है। तो गाइस पहले तो मैंने इसमें येलो रैपिंग कराई थी, आपने देखा होगा अपनी जोजो में, एंड सेकंड रैपिंग मैंने ये कराई थी एंड तीसरी चीज गाइस ये लगाया मैंने इसके बिंजेन के भाई लेग गार्ड जो कि बहुत रफ एंड टफ है, एंड चौथी चीज भाई लोग मैंने इसमें लगाया था हैजार्ड लाइटर जो कि इसका खुद का ओरिजिनल, वो मुझे पड़ा था 2300 रुपए का। एंड प्राइस की बात करो तो ऑलमोस्ट गाइस मैंने जो जो मैं इन्वेस्ट कर चुका है अब तक आप लोगों के लिए नहीं भी तो 70-80 हजार रुपए तो गाइस मैं इसमें लगा चुका हूं। तो गाइस मेरा इसका एक्सपेक्टिंग प्राइस आप लोगों से सिर्फ 2,90,000 रुपए। तो भाई लोग आना और ले जाना, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं गाइस, जो आप लोगों को मालूम है गाइस इसकी जो प्राइस है अभी मार्केट में वो है 3,60,000 के आसपास है एंड अब 70 हो गई शायद से। तो गाइस 290 से नीचे तो भाई मैं देने नहीं वाला हूं किसी को भी, ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 हजार रुपए की बात है फिर 5 हजार रुपए की बात है तो वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट जो मैंने प्राइस रखा बस इसी के आसपास मैं आप लोगों को अपनी जोजो सेल कर दूंगा, तो जिसे चाहिए गाइस ले जाना एंड मैंने आपसे बोला था जो बंदा आएगा उसको लेने के लिए मैं उसका चैनल का प्रमोशन करूंगा एंड कंप्लीट शॉर्ट आउट देने वाला हूं उस बंदे को, जल्दी से आ जाओ और जोजो ले जाओ। सो गाइस जिसको जो चाहिए ले जाना, बस ये बताऊं बुरा तो बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को बट मैं क्या करूं गाइस, मैं सेल कर रहा हूं अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो गाइस जिसको चाहिए आगे ले जाना अपनी जोजो को, और मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट मोटो व्लॉग में। जोजो को ले जाना गाइस जिसको चाहिए, फिर से बोल रहा हूं दिल से बहुत बुरा लग रहा है, मतलब कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं जोजो को आज बेच रहा हूँ। वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो बस वही सब चीज़ें हैं। तो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट मोटो व्लॉग में, फ्रॉम S3K व्लॉग। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।